लखनऊ में पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ममता ने कहा कि जब कोविड में लोग मर रहे थे यूपी में, तब योगी जी आप कहाँ थे? आप उन लोगों के परिवारों से माफी मांगो जिन लोगों की लाशें गंगा में आपने बहाने को मजबूर किया। मोदी जी कहते हैं कि हमने यूपी को पैसा दिया। मोदी जी, क्या आपने अपनी पॉकेट से दिया पैसा? ये सभी पैसा स्टेट से मिलता है, वो जनता का रुपया है। वहीं इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के लिए गर्व की बात है कि बंगाल की धरा से ममता बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। ममता को बंगाल चुनाव के लिए बधाई दूंगा जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। बीजेपी ने पूरी फौज बंगाल में लगा दी फिर भी हरा दिया। आपकी जीत से नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा। वहीं पीएम का बिजनौर दौरा रद्द होने पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि दीदी कलकत्ता से आ गई, दिल्ली के लोग यूपी नहीं आ पाए, कहां मौसम खराब है। सच में बीजेपी के लिए यूपी में मौसम खराब है। बीजेपी का झूठ का जहाज यूपी में नहीं लैंड कर पाया। अखिलेश जी को मैं शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि बंगाल इलेक्शन में भी उन्होंने किरणमय नंदो को भेजकर, जयाजी बच्चन को भेजकर हमारा पार्टी को लिए कैंपेन करने के लिए मदद किया था। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए, ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा पूरी पूरा तरह, ये हमारा हक बनते हैं। मैं पहले 2-4 बात कहने के पहले माफी चाहूंगी कि हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं बोलते बोलते सीख जाऊंगी कि यूपी का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, बिहार का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, राजस्थान का भी आदमी रहते हैं, हरियाणा का भी रहते हैं, पंजाब का भी रहते हैं, पूरा हिंदुस्तान को, हर इंसान हिंदुस्तान को हर प्रांत में रहते हैं। मैं 2-4 बात कहने का पहले लता जी को जो देहांत हुआ है, मैं उनका ऊपर श्रद्धांजलि निवेदन करके 2 लाइन कहने चाहूंगी। जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ तो वो वार का बाद जो शहीद हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए लता जी ने एक गाना गाया, जो गाना के लिए आज भी लता जी हर विश्व का इतिहास बन गया। वो गाना क्या था? ए मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, हिमालय कहाँ पे है? आपका यूपी में है, उत्तराखंड में है। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो ऐतिहासिक लड़ाई आपने लड़ी बंगाल में, मैं आपके साथ साथ बंगाल की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा नेता चुना जो तरक्की खुशहाली के साथ साथ देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी जो मिली जुली तहजीब है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जो ईमानदारी से
देश के लोग खुशहाली और तरक्की चाहते हैं, उनके लिए आपने जीत करके एक संदेश देने का काम किया। आपने तमाम तरह के मुकाबलों का सामना किया, तमाम तरह की साजिशों का आपने काम किया, तमाम तरह के षड्यंत्र हुए, उसके बावजूद भी आपने ऐतिहासिक जीत दी है। पहले भी मैंने बधाई दी थी, फिर एक बार उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं बधाई देता हूं। मैं फिर आपका समाजवादी पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। लालकुआ में निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जनता में उनका रुझान बहुत अच्छा चल रहा है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार पवन चौहान को ही विजय बनाकर विधानसभा में भेजेंगे, तभी लालकुआ विधानसभा क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पहले बागी थे, अब पार्टी ने उन्हें टिकट देकर अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके चलते बीजेपी को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सीधी टक्कर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत से है और वार्ड से 10,000 वोटों से उन्हें हरा कर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद लेकर वो लालकुआ विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने का भी काम करेंगे। उनके पास कुछ बचा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। मैंने पहले दिन कह दिया था भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी और हम चुनाव जीत रहे हैं। वो अच्छी हरकतें, जब आदमी बौखलाता है, चुनाव हारता है तो बौखलाता है और बौखलाहट में इस तरह की बातें करते हैं। हमने तो उनसे, हम सबसे कहना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आधिकारिक रूप से हमारे खिलाफ कुछ बोलने का अगर वो दम रखते हैं तो बोल करके दिखाए, हम उसका जवाब देंगे। पीछे से तो जो मर्जी बोलते रहते हैं। हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको उसी तरह देखते हैं, सम्मान से देखते हैं, लेकिन हरीश रावत जी को हम, हमारे यहाँ के विधानसभा के महान जनता, महान मतदाता हरीश रावत जी को 8-10 हज़ार वोटों से हराने जा रहे हैं। देखिए, लोगों ने तय कर लिया है, लोगों को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे पवन चौहान को यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है और यह मेरा सौभाग्य है। हरीश रावत जैसे व्यक्ति को हम चुनाव हराएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। फर्रुखाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सपा और महान दल कार्यकर्ता गठबंधन प्रत्याशी सुमन मौर्य के बेटे किशन मौर्य की गाड़ी में बैठा था कि तभी घात लगाए बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें अंकुश शाक्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र का है। मैं अकलगंज गमी में गया था किशन भैया के साथ, महान दल की और सपा के प्रत्याशी उनके साथ गमी में गया था। उनकी गाड़ी पुलिस चौकी के सामने मैं उतरा, एक मिनट बाद किसी भाई ने मुझे बुलाया, मैं उससे बात करने लगा। इसी में वो किसी बात को लेकर, उसके मन में क्या बात उठी नहीं उठी, किसके मन में, कौन था वो, इसने हमला किया, एक दुकानदार था, उसने अंदर से पता नहीं क्या चीज, सुधीर नाम था उसका, सुधीर नाम का लड़का है दुकानदार। अभी आप लोग भाजपा कार्यकर्ता है? हाँ, भाजपा कार्यकर्ता भी है। कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरीके का जुल्म हुआ और हमें जानकारी मिली तो हम लोग सारे लोग थाने में आए और हमने FIR दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिल्कुल हताश और बौखलाई हुई है, वो इतने निचले स्तर तक गिर जाएगी, इसका कोई वो जो है अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे महान दल के, जो हमारा समाजवादी पार्टी और महान दल का गठबंधन हुआ है, उनके कार्यकर्ता के साथ में इस तरह का जो उन्होंने घृणित कार्य किया है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आजम खां ने सर्वोच्च अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। जालौन पुलिस और SOG सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। 7 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान ओडिशा से ले जाई जा रही 3 करोड़ रुपए की करीब 700 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है। इस दौरान तस्करों के पास से 2,18,900 रुपए नगद समेत एक ट्रक, 2 कार समेत 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। बता दें कि तस्करों का सरगना दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर है। देखिए, ये जो जालौन के सर्विलांस और SOG की टीम ने काफी अच्छा गुडवर्क किया है। इन्होंने कुल 7 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं और जो जब्तीकरण है उसमें 762 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। और साथ ही साथ एक ट्रक, एक टाटा, एक ईऑन कार और एक स्कॉर्पियो कार की बरामदगी की गई है। इनके कब्जे से 2,18,900 रुपए बरामद किए गए हैं।
और कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं और ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है एक एटा जनपद का रहने वाला है, इसमें 3 झांसी के रहने वाले हैं।